दोस्तों आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे हम अपने ब्लॉगर में कस्टम डोमेन ऐड करते हैं। जब हम ब्लॉगर पर फ्री वेबसाइट अपना बनाते हैं या फिर ब्लॉग बनाते हैं तो हमें कोई भी यूजर नेम मिल जाता है, जैसे abcdfg कुछ भी .blogspot.com मिल जाता है। तो जो abcd जो भी कुछ है ब्लॉगस्पॉट से पहले, उसको हम कैसे कस्टम डोमेन, हमने डोमेन खरीद लिया है, हम चाहते हैं कि हम अपने यहाँ पर कस्टम डोमेन ऐड करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम कस्टम डोमेन ऐड करेंगे। जैसे मेरा टेक्नोलॉजी मैक्रो है तो technologymacro.com कैसे हम करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसके बजाय कि abcd.blogspot.com के। देखते रहिए, इस वीडियो को हम पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी मैक्रो चैनल। आइए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लॉगर को ओपन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, जो भी आपका ब्लॉगर है। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है दोस्तों, और ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा एड्रेस है technologymacro4.blogspot.com। 4 मिला था, technologymacro.blogspot.com मुझे मिला ही नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो मुझे technologymacro.com पर इसे रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर नीचे हम कस्टम डोमेन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पर कस्टम डोमेन अगर हम डायरेक्टली technologymacro.com यहाँ पर www.technologymacro.com अगर लिख देते हैं, उसके बाद से नीचे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे एंटर करके नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं होगा। बेसिकली वो क्या जानता है कि ये डोमेन आप ही का है, आप ही ने रजिस्टर किया है कि क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आ रहा है वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी टू दिस डोमेन। हम आप इस डोमेन की अथॉरिटी आपसे वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि आप ही इसके ऑनर है कि क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए कई सारे आ रहे हैं, हम यहाँ पर सी नेम आ रहा है, ये सब हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो हम दूसरे टैब में ओपन कर लेते हैं जिस भी साइट से आपने डोमेन खरीदा हुआ है। तो हम GoDaddy से मैंने खरीदा हुआ है, इसलिए मैं GoDaddy के अकाउंट पेज पे चला जाता हूँ। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे आ रहा है सेटअप के बगल में DNS, तो हम DNS पर क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जहाँ से भी आपने ओपन किया हो, खरीदा हो, वहाँ से DNS पे क्लिक कर दीजिएगा। DNS पर क्लिक करने के बाद से हमें फिर अपने ब्लॉगर पर ही जाना है, ठीक है दोस्तों, ये अभी मैं आपको बताऊँगा। देखिए ब्लॉगर पर जाना है, उसके बाद सी नेम, उसके बाद ब्रैकेट में नेम www.destination.ghs। तो हमें डेस्टिनेशन के बाद से ghs.google.com जो आ रहा है उसको कॉपी कर लेना है, ghs.google.com इतने को हम कॉपी कर लेंगे। फिर उसके बाद से हम जाएंगे अपने जहां से हमने डोमेन खरीदा हुआ है, मेरे केस में ये GoDaddy है, वहां पर जाएंगे। फिर यहां पर सी नेम के बगल में यहां पे एडिट का आइकन आ रहा है, ठीक है दोस्तों, एडिट के आइकन पर जाएंगे हम। फिर उसके बाद से पॉइंट्स 2 की जगह एट द रेट हटा के हम उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद से नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सेव हो गया। फिर हम जाएंगे अपने ब्लॉगर पर, ब्लॉगर पर जाने के बाद से अब आ रहा है देखिए नेम, नेम के बाद से आ रहा है ये नंबर्स जो आ रहे हैं, ये हमें कॉपी करना है, ठीक है दोस्तों, ये जो भी नंबर है ये हमें कॉपी करना है डेस्टिनेशन से पहले तक का पूरा, इसको हम कॉपी कर लेंगे। फिर अपने डोमेन प्रोवाइडर में हम जाएंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पर सी नेम में ही नीचे वाले में यहाँ पर एडिट का आइकन आ रहा है ये दूसरे वाले में, फिर इसकी जगह हम होस्ट में, होस्ट में ये हटा के वो ही पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया है, ठीक है दोस्तों। ये होस्ट में जो कुछ भी लिखा है उसको हटा देंगे हम और उसको पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया हुआ है, इसको हम पेस्ट कर देंगे। फिर नीचे हम सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर हम जाएंगे अपने ब्लॉगर पर, ठीक है दोस्तों, ब्लॉगर पर हम जाते हैं। अब ब्लॉगर में हमें क्या कॉपी करना है, फिर उसके बाद से हमें ये कॉपी करना है डेस्टिनेशन में ये जो कुछ भी लिखा हुआ है .com तक, इसको हम कॉपी कर लेंगे। फिर उसके बाद से हम अपने डोमेन प्रोवाइडर में जाएंगे, यानी जहाँ से हमने डोमेन खरीदा हुआ है। फिर उसमें देखिएगा दूसरे सी नेम में, ठीक है दोस्तों, दूसरे सी नेम में ये एडिट का जो आइकन आ रहा है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर हम क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स 2 को ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है दोस्तों, जो पॉइंट्स 2 में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको हम पूरा तरह डिलीट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमने कॉपी किया था बस उसे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों, तो हमने जो कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद से नीचे हम सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो बस यही तीन चीज़ें हमें कॉपी करके अपने ब्लॉगर में जो आ रहा था नोटिफिकेशन उसको कॉपी करके अपने डोमेन प्रोवाइडर में पेस्ट कर देना है सी नेम में, बस उसको हम रिफ्रेश कर देंगे
तो हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगा, यानी हमारा जो डोमेन है वो रिडायरेक्ट होकर अब कस्टम डोमेन पे चला गया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया था वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉगर था, तो टेक्नोलॉजी मैक्रो 4.blogspot.com था। तो मैं आपको टेक्नोलॉजी मैक्रो डॉट कॉम पर इसे रीडायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और भी कुछ हमें सेटिंग करना है जो हमने कॉपी किया पेस्ट किया, उसके अलावा हमें दो और सेटिंग करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हमें नीचे कस्टम डोमेन देखिए हमारा होगा www.technologymacro.com, और जो पहले हमारा ब्लॉग एड्रेस था वो देखिए टेक्नोलॉजी मैक्रो 4.blogspot.com था। तो हमें दो और सेटिंग करना है। क्या करना है दोस्तों, हमें ये जो HTTPS का नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उसको हमें इनेबल कर देना है। ठीक है, तो हम ऊपर जाते हैं और ये HTTPS अवेलेबिलिटी बस इसको हम इनेबल कर देंगे तो ये HTTPS रीडायरेक्ट ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हमारा जो वेबसाइट है वो HTTPS हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद से एक और आता है रीडायरेक्ट डोमेन, ये हम इनेबल करना जरूरी है। अगर आप रीडायरेक्ट नहीं करेंगे तो मतलब जो भी इस ब्लॉग एड्रेस पर आएगा टेक्नोलॉजी मैक्रो 4.blogspot.com वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा टेक्नोलॉजी मैक्रो डॉट कॉम पर। तो रीडायरेक्ट डोमेन थ्रू, यानी हमारा जो डोमेन है वो ब्लॉग एड्रेस वो इस डोमेन पर रीडायरेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको सर्च करके दिखाते हैं गूगल में टेक्नोलॉजी मैक्रो डॉट कॉम। तो देखिए हमारा वेबसाइट ये ओपन हो जाएगा, हालांकि मैंने कोई अभी पोस्ट वगैरह लिखा नहीं है तो पोस्ट नहीं आएगा, लेकिन ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा देखिए ब्लॉगर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम एडिट वगैरह कर सकते हैं, ये ब्लॉगर में हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है टेक्नोलॉजी मैक्रो डॉट कॉम। ठीक है दोस्तों, तो हमने कस्टम डोमेन ऐड कर लिया। तो आई होप कि आपका वेबसाइट लाइव हो गया होगा, आपने भी कस्टम डोमेन ऐड कर लिया होगा इजी तरह। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, स्लो स्पीड करके देखिए, प्लेबैक स्पीड स्लो कीजिए और देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम आया होगा। गुड बाय एंड टेक केयर।